जी ये कोलैबोरेशन तो थोड़ा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है कि हमने लास्ट ईयर जो गाना किया था बारिश के बहाने, बाबू मान साहब ने गाया था और उसमें श्वेता बोस फीचरिंग, तो उस वीडियो को आप देखें कि इतनी सक्सेस मिली। एंड द सेम टाइम लास्ट ईयर हम लोग वो वीडियो रिलीज़ कर रहे थे और दिस ईयर वी आर रिलीजिंग बारिश के बहाने का सिकल, जो कि थोड़ी इरोटिका जोनर में है और गाने का नाम है मैं हुस्न हूँ, जिसको गाया है शिबानी ने, बहुत अच्छे से गाया है, और श्वेता ने तो ऑफकोर्स इसमें जो एक्ट किया है वो माइंड ब्लोइंग है। बाकी श्वेता कुछ बताएगी क्या उसको लगता है। आई डेफिनेटली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस सॉन्ग, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया और मैंने ऐसा देखा भी नहीं है। आई थिंक इंडिया में फर्स्ट टाइम सिंगल इस टाइप से बन के आ रहा है एंड आप मुझे बहुत डिफरेंट रूप में अवतार में देखेंगे। इवन आई एम एक्साइटेड टू सी इट एंड शेज़ ने इस गाना बहुत ब्यूटिफुली बनाया है एंड यस ये हमारा सेकेंड सॉन्ग है एंड जो हमारी बॉन्डिंग है इज़ लाइक रियली ईजी, तो उनको जब भी कुछ होता है एक्सप्रेस करने के लिए कि ऐसे करना है ऐसे करना है, इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर अस टू कम्युनिकेट एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड। आई विश कि जैसे बारिश के बहाने को आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, आई होप कि आप इस सॉन्ग को उससे ज़्यादा और भी ज़्यादा प्यार दें। मैं हुस्न हूँ जो कि आज ही ऑन एयर हो जाएगा, तो हम लोगों को लगता है, दोनों को लगता है कि इट शुड बी ए सक्सेसफुल सॉन्ग एज यूजुअल, जैसे कि हमारे पुराने गानों को आप लोगों का प्यार मिला। सो लेट्स सी। सी ये जो लास्ट हमारे दो एल्बम्स थे पर्दे में रहने दो और तेरी याद आती है, बडोला म्यूजिक एंड प्रोडक्शन से रिलीज हो रहा है, उनका ये थर्ड वेंचर है और लकीली उनके दोनों वेंचर ही सक्सेसफुल हुए थे, तो देखते हैं ये वेंचर आप लोगों को कैसा लगेगा। हम लोगों ने तो अपनी तरफ से इसमें बहुत एफर्ट्स डाले हैं। इट वॉज अमेजिंग जर्नी बिकॉज मैं शूट करी थी टीम के साथ जिसके साथ मैं ऑलरेडी वर्क कर चुकी हूँ और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, डायरेक्टर अजीजी एंड आ म्यूजिक डायरेक्टर टीचर शेजवर्ड, सो शूटिंग वॉज वेरी लॉट ऑफ फन, क्योंकि जब आप फ्रेंड्स के संग शूट करते हैं तो एक अलग ही ट्रिप हो जाती है, और ऑल द वे आप गोवा जाके वो शूट करें फ्रेंड्स के संग तो और फन होता है। एंड देन वी केम बैक टू बॉम्बे और फिर बॉम्बे में भी हमने काफ़ी जगह शूट किया एंड अब हम रेडी हैं इसके साथ एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। आसी शिवानी बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है और आप जानते ही हैं, आपने उनके पहले भी जो गाने सुने हैं वो ज़्यादातर गानों में जो उसका डिफरेंट टोन है वो आप लोगों ने एक्सेप्ट किया था, और बहुत टाइम से शिवानी और हम मिलते तो हम ये सोचते थे कि कभी किसी गाने को लेके कोलैबोरेशन करेंगे, तो मेरे ख्याल से इस गाने के टाइम पर जब मैंने ये गाना क्रिएट किया मेरे दिमाग में था कि शिवानी के साथ ये गाना करेंगे, और शिवानी ने इतने अच्छे से गाया है कि जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि शिवानी कुड बी द ओनली चॉइस फॉर दिस सॉन्ग। इस गाने में इट्स अ जर्नी ऑफ अ सुपर मॉडल एक्ट्रेस, सो हमने कोशिश की है कि हम वो जर्नी इस सॉन्ग में दिखा सकें, सो अप्स एंड डाउन्स एवरीथिंग रिलेशनशिप एवरीथिंग हमने इसमें शो करने की कोशिश की है। टू डू अ प्रेप डेफिनेटली शेज़ टोल्ड मी कि हम इसको इस तरीके से शूट करेंगे, सो सी आई एम एन एक्ट्रेस बट येस दैट जर्नी वी कैन ऑलवेज but there is always see you always say there is a good side there is a bad side and everybody has ups and downs in life, we try to show that ups and down in life and yes the prep was there, I tried to see couple of Hollywood films also and songs also so that we get exactly what we wanted, so yeah that's what I said गाना बनाते हुए तो ऐसी कोई जर्नी दिमाग में नहीं थी, या ऑफकोर्स जब मैं गाना बना रहा था तो मेरे दिमाग में था कि मुझे एक एरोटिका सॉन्ग बनाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपने मेरा म्यूज़िक सुना उसमें रिमिक्सेस थे, इमोशनल सॉन्ग थे, रोमांटिक सॉन्ग्स थे, एरोटिका सॉन्ग मैंने अभी तक नहीं कंपोज किया था, तो मेरे दिमाग में ये था। पर जब वो गाना बन गया उसके बाद जो जर्नी उसके अंदर कंपाइल की श्वेता ने अजीज़ ने मिलके की जर्नी ऑफ अ सुपर मॉडल, लाइफ ऑफ अ सुपर मॉडल, वो आपने अब तक फिल्म में देखी तो किसी सिंगल या वीडियो में नहीं देखी होगी, तो एक नई चीज़ है, आपको मज़ा आएगा कि 3 मिनट के वीडियो में आप पूरा एक छोटा फिल्म देखेंगे, आपको बांध के रखेगा एंड यू विल लव इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
very sensual song, very beautiful song, and I'm really happy to have sung it. Shezwood has done a great, lovely composition. मैंने पहली बार ही सुना था, I just fell in love with the song. And I said, yes, I have to sing the song. And some of my favorite people are associated with the song. One is you, one of my dear friends. And of course, Azizi, I worked with a lot. इन्होंने मेरा एक बहुत प्यारा video, video direct किया था, दिल का है दुबई में. We had a great time. And Shweta is so bubbly and she looks gorgeous in the video. And of course, Shezwood and I go back such a long, long, long way. So yeah. Yeah, there's a little bit of me in the video also, and she did my makeup. That's how we work, that's how our team but is. But actually, I really would like to compliment Azizi for that, because there's absolutely no makeup on my face. Little bit which she did, it's just very, very like light makeup, and he's captured. You are beautiful. Yes. You don't need makeup. I did under 2 hours. But the song is gorgeous, and I think in the clubs also, in your cars, in your living rooms, your bedrooms, everywhere the song should be playing on top of the list. Well, actually, sensual song, so it was very easy for me because I like shooting sensual stuff. I shoot a lot of sensual stuff, so yeah, it was really nice and obviously it was sung very beautifully by Shibani. She gave a lot of energy and sensuality to the way she sang it, and Shezwood, fantastic job, I think. It's like a really, really very nice song, and obviously the beautiful lady in the video, she made everything look very, very pretty. Yeah. And it was very easy. It was actually like we were all friends and we were working together, and Paru guided us. Yeah. She told me a lot of shots. Thank you very much. काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी अच्छा काम किया मेरे साथ।
आखिरी एल्बम मेरे काम उनके साथ 10-15 एल्बम तो बनाए हैं, वो बहुत ही मतलब टैलेंटेड है, और आज उनका जो मैं हुस्न हूँ वो रिलीज़ हो रहा है, और अजीत जी ने डायरेक्ट किया है और श्वेता खंडूरी ने उसको उसमें एक्ट किया है, और अपना सिंगर कश्यप जो सिंगर है उन्होंने भी बहुत अच्छा गाना गाया है। मुझे लगता है ओवरऑल ये प्रोजेक्ट अच्छा बना है, तो फेसबुक का है तो डेफिनेटली कमर्शियल तो कमर्शियल एंगल बहुत ज़्यादा रहता है उसके, तो अच्छा ही रहा। श्वेता इज़ अ गुड फ्रेंड, मेरे बहुत ही खास मित्र अजीज जी ने डायरेक्ट किया है, और आई थिंक अच्छा होगा देखने में, बिकॉज आई लाइक श्वेता वर्क, श्वेता इज़ वेरी गुड, शी इज़ ब्यूटीफुल इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा, सो आई वुड लव टू सी, दिस व्हाई आई एम हियर लेट बट ऑन टाइम। कांग्रेचुलेशन टू द होल टीम, बड़े गाने किए हमने भी लाइफ में, गाने जो हैं बहुत माइनस मुश्किल से बनते, मेरे सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, श्वेता है उसके साथ अभी हमारी फिल्म भी आ रही है, और जो डायरेक्टर हैं उनके साथ भी, उनको भी मैं जानता हूँ, उनके साथ भी काम किया है और काम करने भी वाला हूँ, तो गुड लक टू द होल टीम, हैप्पी फॉर देम, तारीफ़ आम। Bani is a friend, she's singing and the song is very nice, the entire team is my friend only, so I'm here to cheer them up and more successful ho aur acche gaane gaao। सबसे पहले तो बेस्ट विशेज मेरी तरफ से शिवानी को और शेजवुड को, और मेरे हिसाब से ऐसे ही और अच्छे अच्छे गाने बनाए, रिमिक्स के अलावा खुद के भी कुछ अच्छे गाने बनाए, दैट्स इट, थैंक यू। आपका टीजर देखा है हमने, गाना कब तक लॉन्च हो रहा है? बस आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, डेट्स 3rd, 4th, 5th किसी भी दिन में आपको पता चल जाएगा। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर माई लॉन्च, बिकॉज इसलिए किसी और का गाना लॉन्च होता है तो मुझे ऐसा लगता है वो आई विल बी देयर, यू नो नेक्स्ट इज माई टर्न। Thank you. She has also delivered some of the best melodies in Bollywood. She has performed live shows across the world. She will be playing a lead role in Bollywood Krishna, Abhishek, Mahurats in the movie Channel-Bollywood. So now let's talk about the business. Can we have Kashyap ji, where are you? Kashyap ji, okay, so can you just open the box now? Do we have Raji here? Right.